हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में अच्छा ख्याल भी आ सकता है और बुरा ख्याल भी आ सकता है दोस्तों। लेकिन अगर इस पिक्चर का, अगर इस तस्वीर का रहस्य अगर आप जानोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा गर्व होगा दोस्तों, और इस लड़की को आपको सैल्यूट करने का जो है सो दिल करेगा। चलिए दोस्तों, आज मैं इस तस्वीर का जो है सो रहस्य मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, जो सुन के आप लोगों को आश्चर्य होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पुरातन रोमन काल में साइमन नामक एक बुजुर्ग आदमी रहता था, जिसे रोम के राजा ने मौत की सजा सुनाई थी दोस्तों। और ऐसी वैसी मौत नहीं कि जाओ इसे ले जाओ और फांसी की सजा दे दो, और या इसे ले जाओ या इसका सर जो है सो धड़ से अलग कर दो, ऐसी वैसी मौत की सजा नहीं दोस्तों। बल्कि राजा ने सुनाया कि इसे ले जाओ और कारागार में जो है सो इसे बंद कर दो, और इससे खाना पीना जो है सो क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये खुद जो है सो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे दोस्तों। आप सोच सकते हो, ये राजा का हुक्म था कि इसे कारागार में जाके बंद कर दिया जाए और इसे खाना पीना कुछ जो है सो नहीं दिया जाए, ये खुद पे खुद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे दोस्तों। बहुत ही बेरहम की तरह जो है सो राजा सजा जो है सो सुनाया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, साइमन की एक बेटी भी थी जिसका नाम पेरू था दोस्तों। वो पिता का जो है सो दुख देखकर उसे रहा नहीं जाता था, वो बहुत ज्यादा रोती रहती थी, हमेशा जो है सो रोती रहती थी अपने पिता का जो है सो दुख देखकर। साइमन की बेटी पेरू ने राजा से प्रार्थना किया कि अब मेरे पिताजी कुछ ही दिन जिंदा रहेंगे, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे रोज जो है सो अपने पिता से मिलने का आज्ञा दी जाए। राजा को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, उसने जो है सो ये अनुमति दे दिया कि तुम जा सकती हो, अपने रोज अपने पिता से मिल सकती हो। लेकिन राजा हुक्म दिया, सैनिक को जो है सो पहले बोल दिया दोस्तों कि ये लड़की पेरू जब जो अपने पिता से मिलने के लिए जाएगी तो इसको पूर्ण रूप से जो है सो तलाशी लिया जाए। उस समय तुम लोग तलाशी ले लोगे कि ये नहीं हो कि ये लड़की जो है सो खाने पीने का सामान अपने पिताजी के पास ले जाए, इसीलिए इसे पूर्ण रूप से तलाशी लेने के बाद अंदर जाने देना। इतना जो है सो हुक्म जो है सो राजा को दिया दोस्तों। जब इसकी पुत्री पेरू ने अपने पिताजी से मिलने के लिए जेल में गए दोस्तों, तो उसको देख के वहां पे बहुत ज्यादा दुख हुआ और बहुत ज्यादा जो है सो रोने लगी, वो बहुत ज्यादा रोने लगी। और उसका हालत देखा तो दिन प्रतिदिन जो है सो खराब होता जा रहा था दोस्तों। अचानक पेरू को जो है सो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने पिताजी का जान कैसे बचाऊं, क्योंकि वो उसे जो है सो खाना पीना टोटल जो है सो मतलब नहीं देने का जो है सो राजा हुक्म सुनाया था। इसकी पुत्री पेरू को जो है सो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पिताजी का जान कैसे बचाऊं। लेकिन जो है सो अचानक जो है सो उससे कुछ सूझा दोस्तों, और वो करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और उसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको क्या लगेगा, बहुत आश्चर्य लगेगा दोस्तों। कई दिनों की बात है दोस्तों, जब सैनिक को जो है सो साइमन को देखने की इच्छा हुआ, लगभग 3 हफ्ता जो है सो बीत गया था। सैनिक को लगा कि अब जो है सो लगता है साइमन की मृत्यु हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों साइमन कमजोर तो था लेकिन बहुत ही स्वस्थ उसको जो है सो दिखाई दिया। उसको जो है सो आश्चर्य लग गया कि ये कैसे हो गया कि जो मनुष्य अगर 3 हफ्तों तक जो है सो भूखे रह जाए, अभी तक तो उसका मृत्यु जो है सो हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक साइमन का मृत्यु क्यों नहीं हुआ। अचानक जो है सो सैनी को जो है सो उसकी पुत्री पेरू पे जो है सो शक होने लगा। लगता है उसके मन में जो है सो विचार आया, लगता है कि उसकी पुत्री जो पेरू जो यहाँ पे आती है तो कुछ खाने पीने का सामान लेके आती है और अपने पिताजी को खिला देती है, इसलिए जो है सो अभी तक जो है सो साइमन क्या है, स्वस्थ है दोस्तों। तो सैनिक ने सोचा दोस्तों कि अब लगता है मुझे चोरी छुप के देखना पड़ेगा कि आखिर जो पेरू जो आती है तो लगता है खाना पीना लेके तो नहीं आती है ना, जो अभी तक साइमन की मृत्यु नहीं हुआ। तो अचानक क्या हुआ दोस्तों, तो वो सिपाही उसी दिन जो है सो मतलब जेल के अंदर दीवार के पीछे जो है सो छिप गया दोस्तों। जब जो उस समय पेरू जो अपने पिताजी से मिलने के लिए आए, तब जो है सो 2-4 बात किए पेरू, इसके बाद मन भी जो है सो पूरे आंख बंद करके जो है सो अपने बेटी का स्तनपान जो है सो कर रहे थे दोस्तों। सैनिक को देखकर बहुत आश्चर्य लगा दोस्तों, और उसी समय जो है सो इसके बेटी पेरू को भी और इसके पिता साइमन को भी जो है सो तुरंत जो है सो क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और उसको जो है सो बहुत गाली गलौज दिया और उस पे जो है सो थूका कि ये कैसे बाप है, ये अनर्थ कर दिया, आज तक मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था दोस्तों। और ये बात आपको ऐसे पहुंचा कि जैसे दोस्तों कोई जंगल में आग फैलता है दोस्तों। तब जाके जो है सो दोनों को जो है सो राजा के पास ले गए दोस्तों, और राजा जो
है राजा के पास ले गया और ऐसे ऐसे जो है सो सैनिक जो है सो सुनाए। बहुत सारे लोग जो है सो इस पे थू थू कर रहे थे, बहुत ज्यादा लोग जो है सो मतलब इस पे आंगुर उठा रहे थे, बहुत सारे तरह तरह के जो है सो बात कर रहे थे। लेकिन अंत में दोस्तों राजा को भी एक्सेप्ट करना पड़ा और टोटल जितने भी व्यक्ति जो है सो इस पे थू थू कर रहे थे सभी को एक्सेप्ट करना पड़ा दोस्तों कि ये कोई गलत नहीं है। एक बेटी जो है सो अपने बाप की जान बचाने के लिए जो है सो ऐसा कदम जो है सो उठाई थी, इसी का जो है सो नाम क्या है, प्यार है। इसमें जो है सो राजा को कोई गलती नहीं जो है सो दिखाई दिया और लास्ट में जो है सो राजा को दोस्तों पेरू को जो है सो मतलब छोड़ना पड़ा और पेरू के साथ साथ इसके पिताजी साइमन को भी जो है सो मुक्त करना पड़ा दोस्तों। तो यही थी दोस्तों इस तस्वीर का रहस्य। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।